कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों का दिखा उत्साह। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान और आर्य युवा केंद्र संबंध राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा आयोजित कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे किसानों में दिखाई दिया उत्साह। किसानों को कृषि एफपीओ निर्माण, जैविक खेती, कृषि उपकरण, बागवानी संबंधित विभिन्न कृषि विशेषज्ञों द्वारा दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोखरण जिले के 30 किसानों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। इसी प्रकार के किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का संपूर्ण राजस्थान में लगाए जाएंगे प्रशिक्षण शिविर। आर्य युवा केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुषेश आर्य ने दी जानकारी। पुषेश आर्य ने बताया कि उनकी संस्था का उद्देश्य भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्तम खेती कैसे की जाए इसकी जानकारी देकर किसानों को स्वावलंबी बनाना है। वक्ता कान सिंह जी, सुरेंद्र जी, प्रमोद जी, देवेंद्र जी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। ये कार्यक्रम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में रखा गया है। आपका नाम क्या है? नाम मेरा गुरजन राम है। आपका? नरेश राम। आपका? हरिकिशन। आपका? पाना राम। गांव का नाम? धोलिया। धोलिया, धोलिया। आप सभी किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हैं जो दिनांक 20 से 22 फरवरी 2022 तक यहाँ आयोजित हो रहा है। तो आपको कौन सी योजना के बारे में बताया गया है? सभी योजना बताइए। भंडार गृह के बारे में, कृषि वेयर हाउस का सबका बता देते हैं, लोन के बारे में, योजना बढ़िया है। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश बिश्नोई है। मैं ओग्रण तहसील के धोले गांव से, जिला जैसलमेर है मेरा और लोकसभा क्षेत्र जोधपुर है, राज्य राजस्थान। और 3 दिवसीय प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का जो 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का लाभ हमें मिला है। धोलिया गांव में जो जिस प्रकार से 3 दिवसीय का प्रोग्राम रहा वो बहुत शानदार रहा। इसमें हमें भंडारण और कृषि विपणन के बारे में, कितनी दरों पर काम बेचना चाहिए, मंडियों के बारे में और ऑनलाइन कैसे बेचा जाए, उन सबके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। इन जानकारी के उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी, नरेंद्र भाई मोदी जी का, और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र जी तोमर जी का, और हमारे जैसलमेर बाड़मेर से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री केलाजी चौधरी भाई साहब का, कि उन्होंने जो 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हमारे यहाँ पे करवाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 3 दिवसीय कार्यशाला में हमें बहुत कुछ किसानों को लाभ मिला है और आगे भी हम इसी प्रकार से मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद। एफटी लाइव के लिए संवाददाता ललित दबे की रिपोर्ट।